अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं सब। हैदराबादी डिश बतलाती हूँ आपको। मटन गोश्त की कढ़ी बना रही हूँ मैं, इसकी रेसिपी देती हूँ। ये वॉश करके गोश्त और प्याज कुकर में भगोने में चढ़ा देना। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मचे डालना और नमक 2 टेबलस्पून डालना और इसके अंदर लाल मिर्ची 2 टेबलस्पून टू एंड हाफ टेबल स्पून 2 चमचे पे आधा चमचा और इसके अंदर हल्दी डालना 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर ऑयल डालना, अच्छा सा मिला के गैस चूल्हा खोल के अच्छा सा इसको अच्छा सा फ्राई करना है। टमाटर चॉप करके रख देना, अच्छे से बारीक काट के रख देना। आलू भी कट करके वॉश करके रख देना। खोपरा, फली, तिल का मसाला सब उसको पीस लेके इसके अंदर धनिया जीरे का पाउडर मिलाना, इसके अंदर हरा मसाला डालना, कोथमीर पुदीना, कोथमीर करी आप डालना इसके अंदर और हरी मिर्ची। अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डाल के जब तक गोश्त गले तक पानी डाल के थोड़ा सा रख देना। अच्छा सा भून के इसके अंदर टमाटर डाल देना, टमाटर भी अच्छा भुने जाना है इसके अंदर। ऐसा हिला के इसको अपन इसके अंदर फिर आलू भी डाल देंगे अपन। Thank you.
अच्छा सा उसको भुने बाने, फिर अपन बतलाती आपको कैसे होता है। अच्छा सा भून के टमाटर भी देखो भुने गए, इसके अंदर भी मसाला डाल दिए, इसमें डाल के मिलाना अच्छा सा भून के। इसके अंदर अच्छा सा भुने जाना, देखो मैं कैसा भून रही देखे आप लोग। इसके अंदर प्याज टमाटर आपको दिख रहे नहीं, अच्छा भून के टमाटर आलू भी गल गया, आलू कैसा गल गया। देखो यहाँ पर चिकन बना रहे हैं हम लोग, आपको चिकन की भी रेसिपी, चिकन फ्राई करे तो रेसिपी देती हूँ मैं आपको, उसकी भी रेसिपी बतलाती हूँ आपको। चिकन इमली का पल्प पूरा अच्छा से डाल देना, इमली मैश करके अंदर इमली का पूरा पानी, इमली का पूरा पल्प रहता नहीं वो डाल के इसके अंदर ऐसा हिलाना। इमली का पल्प पूरा अच्छा डाले बने, ऐसा बॉईल हुए बने, फिर अपन देखो इसके अंदर ऐसा बॉईल होना, बॉईल हुए बाद में इसके अंदर अपन चावल पीस के इसका वो डालेंगे, चावल पीस के डालेंगे, चावल ऐसा पीस के, चावल पीसे भाई है इसके अंदर डालेंगे। तो चावल पीस के डाले तो इतनी गाढ़ी हो गई, बन गई यम्मी सी हैदराबादी डिश मटन कड़ी, मटन कड़ी बना। यम्मी सी कड़ी बन गई, इसको थोड़ा सा बॉईल करके बंद कर देंगे, इसको ढाप देंगे, सब बॉईल होते रहना है। यहाँ पर देखो चिकन फ्राई हो रहा है, यम चिकन। इसके अंदर राइस है, कैसा लगा आप सबको प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।